उत्तरी इसराइल हर एक मिनट और हर एक सेकंड में हिजबुल्ला के हमलों से जल रहा है। उत्तर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पर हिजबुल्ला के हमलों की आग न पहुंची हो। और अब इजरायली सेना को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे हिजबुल्ला को रोके, क्योंकि IDF खुद कह चुकी है कि वो हिजबुल्ला के साथ सीधा युद्ध नहीं चाहती। लेकिन अगर हिजबुल्ला इसराइल पर जमीनी हमला करता है तो ये जंग सीधी आर पार की लड़ाई में जाएगी। लेकिन हिजबुल्ला लगातार अपनी सीमा रेखा पार करके एक कदम आगे जा रहा है। दरअसल हिजबुल्ला ने 14 अगस्त 2024 को उत्तरी इसराइल पर एक बार फिर से कई सिलसिलेवार हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने मैतुला साइट पर IDF के एक सर्वेलेंस उपकरण को उड़ा दिया है। और इस हमले के बाद करीब 10:10 पर शतूला के जंगलों में इजरायली सैनिकों के जमावड़े वाली जगह पर एक सीधा हमला किया गया। हिजबुल्ला के मुताबिक 10:50 पर उसने अल बगदादी साइट पर भी सीधा हमला किया और इसके बाद जिब्दीन बैरिक्स पर भी कई गोले और रॉकेट फायर कर दिए जो सीधे अपने टारगेट पर लगे। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया है कि उसने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में अल रामथा सैन्य अड्डे पर भी कई रॉकेटों से हमला किया है जिसमें IDF को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने उत्तरी अबीरिम में एक बड़ा ड्रोन हमला किया। यहाँ पर हिजबुल्ला ने IDF के जमावड़े वाली जगह पर कई ड्रोन एक साथ फायर कर दिए। और इसके अलावा किरियत शमोना सेटलमेंट में भी हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट्स का एक पूरा जत्था फायर किया है। और इजरायली न्यूज चैनल 12 ने भी इस हमले की पुष्टि की है। चैनल 12 का कहना है कि रॉकेट दक्षिणी लेबनान से आए थे जो एक बस स्टैंड के पास आ गिरे जिसकी वजह से यहां पर आग लग गई। वहीं किरियत शमोना के मेयर अविचाई स्टर्न ने लोगों से कहा कि वो अगले आदेश तक नजदीकी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल की नॉर्दर्न कमांड के अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्ला उत्तरी बॉर्डर पर जमीनी घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। इसको लेकर इजरायली न्यूज चैनल वाला ने IDF के अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्ला के उत्तरी इलाके में जमीनी हमला करने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा हकीकत नजर आती है। वहीं IDF के अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्ला की राडवान फोर्स उत्तरी सेटलमेंट्स में घुसने के लिए समन्वित हमला करने में सक्षम है। IDF के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो ये मानते हैं कि हिजबुल्ला उत्तरी बॉर्डर में घुसने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती और वहम में है। नॉर्दर्न कमांड का कहना है कि हम सभी को ये मानकर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए कि हिजबुल्ला के पास उत्तर में घुसने और मिलिट्री पोस्ट पर अपना झंडा लहराने की ताकत है और वो उसे आग के हवाले भी कर सकते हैं।